हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू फनेला स्कूल। माय नेम इज अनीता राजपूत। कैसे हो सब बच्चे? अच्छे हो बच्चों? तो बच्चों, आज हम है ना, हम हिंदी पढ़ने वाले। हिंदी में बच्चों हमने पहले क्या पढ़ा था आपको पता है? हमने पहले आगे शब्द पढ़े, दो अक्षर वाले, तीन अक्षर वाले, फिर चार अक्षर वाले, है ना। फिर हमने आ की मात्रा पढ़ी, फिर छोटी की, फिर बड़ी की मात्रा हमने पढ़ी हुई है ना। तो बच्चों आज हम छोटी ई की और बड़ी ई की मात्रा की थोड़ा रिवीजन करने वाले हैं। हमारे क्लास बुक्स में एक्टिविटी दी गई है ना, वो एक्टिविटी बच्चों आज हम करने वाले हैं। उसके बाद में हम हमारी किताब में दिए गए एक्टिविटी पढ़ने वाले हैं। ओके, तो चलो हम देखते हैं वो एक्टिविटी कैसी है। एक्टिविटी शीट दी गई है हमारी किताब में, आपने देखा है पेज नंबर 28 पे। तो चलो हम छोटी की और बड़ी की मात्रा वाली एक्टिविटी शीट पढ़ते हैं और समझते हैं। ओके बच्चों, मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से पढ़ना। और आगे का होमवर्क कर दिया बेटा आपने? तो बच्चों रोजाना का होमवर्क आपको रोजाना कर देना है। ओके, तो चलो मैं शुरू करती हूँ। देखो बच्चों, ये हमारी एक्टिविटी शीट है पेज नंबर 28 पे। यहाँ पर क्या लिखा गया है? चित्र के नाम पूरे कीजिए। हमको चित्र देखना है, तो देखो पहले हम चित्र देखते हैं। ये चित्र किसका है? ये दाड़म है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अनार बोलते हैं ना। फिर ये क्या है? आम है। फिर ये क्या है बच्चों? हिरण है ना। चलो हम एक एक चित्र के अनुसार देख के लिखते हैं कि क्या आएगा बॉक्स में। तो देखो बच्चों, ये किसका चित्र दिया गया है? ये चित्र है अनार का, अनार है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है? नार। तो कौन सा शब्द आएगा इस बॉक्स में? तो बेटा यहाँ पर आएगा अ। ओके, तो क्या बन गया? चलो पढ़ो। अ नार, अनार, हो गया ना। क्या लिखा हमने? अ नार, अनार। चलो हम आगे देखते हैं। वो ये चित्र किसका है? चलो बताओ बच्चों। तो ये आम है। क्या है? आम। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा गया? आ लिखा गया। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? हम यहाँ पर लिखेंगे म। तो क्या हो जाएगा? आ म। तो इसको पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? आम। ये आम का चित्र दिया गया, तो हमने लिख दिया ना, आ तो लिखा हुआ था, हमने म लिख दिया, तो क्या बन गया? आम। बोलो चलो क्या बोलेंगे? आम। चलो फिर हम देखते हैं ये चित्र किसका है। तो बच्चों ये चित्र है हिरण का, दिख रहा है चित्र? तो देखो यहाँ पर हम लिखेंगे ही तो लिखा गया है, तो यहाँ पर बच्चों आ जाएगा र। तो क्या पढ़ जाएगा इसको? ही र न, हिरण। चलो हम नीचे वो देखते हैं। और ये क्या है आपको पता है? ये कौन है? देखो ये सब है ना, ये औजार, ये कहाँ पर काम आते हैं? खेती में काम करने के काम आते हैं। ये चारा काटने पे काम आता है, दंतारी बोलते हैं इसको। तो ये किसान है। तो देखो यहाँ पर की सा लिखा गया, तो बच्चों यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर न आएगा। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे हम? क्या पढ़ेंगे? चलो पढ़ो। की सा न, तो इसको क्या पढ़ा जाएगा? किसान। क्या पढ़ा जाएगा? किसान। चलो फिर हम देखते हैं ये क्या है? इमली है। किसका चित्र है? ये इमली का है। खट्टी खट्टी लगती है ना, इमली का नाम लेते क्या हुआ? मुँह में पानी आया। तो ये इमली। तो देखो बच्चों ई तो लिखा गया और ली भी लिखा गया, तो क्या है? तो बच्चों यहाँ पर आएगा म। ई म ली, इमली। क्या लिखा हमने? ई म ली, इमली। चलो फिर देखते हैं हम आगे, ये क्या है? दीपक है। हम भगवान के आगे दीपक करते हैं और दीपावली होने होती है तो पूरा घर सजा देते हैं, वो दीपक। तो देखो दीप को लिखा गया, तो बच्चों यहाँ पर आएगा क। तो क्या बन गया? पढ़ो चलो अब इसको। तो देखो दीपक, दीपक। क्या पढ़ा जाएगा इसको? दीपक, दीपक, हो गया। चलो फिर से एक बार हम देख लेते हैं। तो देखो ये क्या है? अनार। ये आम। ये क्या है? हिरण। इसको पढ़ेंगे बच्चों हम किसान, इमली और ये दीपक। ओके, चलो आगे देखते हैं अब हम। देखो ये क्या लिखा गया है?
अब बेटा यहाँ पर देखो, अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है हमको, उल्टा। ये देखो र का लिखा गया है, चित्र किसका है, का र, तो पहले का आएगा फिर र आएगा। तो देखो हमने यहाँ पर लिख दिया है का र, कार, है ना। उसी प्रकार चलो अभी ये देखते हैं हम, ये देखो ये क्या लिखा गया है, क मिश्र। देखो समझ में आया आपके ये क्या लिखा गया, नहीं आया पर चित्र देख के पता चल रहा है ये क्या है, ये श्रमिक है बच्चों। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, पहले आएगा, पहले क्या लिखा जाएगा, देखो इस बॉक्स में लिख देती हूँ ना मैं, बड़ा कर दिया तो आपको भी दिखे। तो देखो बच्चों यहाँ पर पहले हम लिखेंगे स्र, फिर हम लिखेंगे म के छोटी की मात्रा, मी क, तो क्या पढ़ा जाएगा इसको, श्रमिक। क्या पढ़ेंगे इसको हम, श्रमिक। चलो फिर देखते हैं हम, ये क्या है, ये तो मटकी है, मटकी को हम क्या बोलते हैं, घड़ा बोलते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है, डा घ, तो शब्द में कोई इसको उल्टा लिखा गया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे घ डा, घड़ा मतलब मटकी होती है, हमने इसको सीधा करके लिख दिया। चलो फिर हम देखते हैं ये क्या लिखा गया है, ताची, ताची कुछ होता है, नहीं होता, पर चित्र किसका है, चीता का है। तो बच्चों यहाँ पर आएगा पहले ची ता, चीता, गुजराती में चित्तो बोलते हैं, हिंदी में चीता बोलते हैं। फिर देखो ये क्या लिखा गया है, थी हा, थिया कुछ होता है, नहीं होता है, तो ये चित्र किसका है, हाथी का है। तो बच्चों हम यहाँ पर लिखेंगे हा थी, हाथी, क्या है ये, हाथी का चित्र है। चलो फिर से हम एक बार देख लेते हैं, तो देखो किसके किसके चित्र दिए गए, ये क्या है, कार, ये श्रमिक, ये क्या है, घड़ा, फिर ये चीता और ये हाथी। तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा, एक्टिविटी सीट, हमने आगे आके मात्रा पढ़ी, छोटी की पढ़ी और बड़ी की पढ़ी, उसका हमने रिवीजन किया और हमने चित्र देख के शब्द लिखे, ओके। तो आप भी वीडियो को देखना, वीडियो में देखते हुए अपनी किताब में पेज नंबर 28 और पेज नंबर 29 में लिखना है, ओके। बाय बाय।